आओ सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी जय श्री राग दी वार दे विच बख्शिश करते हैं। 705 अंग ते जय श्री महला पंजवा वार सलोका नाल सो जय श्री राग दे विच पंजवें पातशाह उच्चारण करते हैं वार सलोका नाल। ये जिहड़ी वार है सलोकों के भाव नाल सलोकों समेत ये सारी वार संपूर्ण पौड़ियां दे समेत धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज की वार है, क्योंकि कई वारां सलोकां तो बिना हुंदियां ने, पर यह जिहड़ी वार है सलोकां दे नाल कथन कीती है। इहदे विच सलोक जिहड़े मूल रूप हन अते पौड़ियां जो हन वह टीका कीता स्टीक कीता होया उहनां दा, भाव जो सलोक विच उच्चारण करदे ने उही पौड़ी विच फिर सुखैन बोली विच कथन करते हैं। सो जिस वेले गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ साहब सहज पाठ संथ्या तो कथा सहज पाठ कहने आपां इहनूं इत्थे मध आ जांदा, क्योंकि आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। बहुत सारे मनमुखां ने टुचरां लाईआं विच भी मध तां 715 ते बणदा है। सो इस तरह जिहड़ी मर्यादा दसवें पातशाह तो चली आउंदी है जां साधु महात्मा संपरदावां ब्रह्म ज्ञानी चलाउंदे आ रहे ने, राड़े वाले महापुरश कलेरां वाले इसे प्रकार दमदमी टकसाल दे विच सारियां संपरदावां बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरश जिहड़े गुरु अर्जन देव जी महाराज तों ही पुछिया करदे सी महाराज मध कित्थे लाया करिए, महाराज ने वचन किया भाई यह आदि पूर्ण मध पूर्ण असी लिखिया ना इत्थे ला दिया करो। सो बाबा जी ये भी कहा करते सी भाई जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते हुक्मनामा लैण उपरंत रुमाला पाउणा है, हुक्मनामा भावें 500 अंग तो आवे भावें 800 तो आवे पर रुमाला पाउण वेले 705 अंग कर दिया करो, ये महाराज का हुक्म है। महाराज कहने कई बंदे 450 अंग तो हुक्मनामा लैके उत्थे रुमाला पा देंदे ने, कहने फिर सानू टेढ़े ही बैठना पैंदा। इस प्रकार जे हुक्मनामा गाहां जे 800 अंग तो हुंदा कई बार 900 अंग ते भी हुक्मनामा आ जांदा है, और रुमाला 705 ते ही करके पाउणा, क्योंकि इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब का मध है। बाकी जो मर्जी कोई कही जावे वह तो उन्हां दियां एवें चखाई ने, मूँह की हवा ही है, बेचारियां नूं पता है नहीं। इस तरह जो हुक्म महापुरखां दे ने दसवें पातशाह महाराज का उही हुक्म आपां नूं प्रवान है, उही मनना चाहिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ओंकार केवल एको एक है सतगुरां दी प्रसाद कृपा दा द्वारा ओंकार की प्राप्ति हुंदी है। सलोक आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। फरमाते हैं महाराज जी के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आदि विच परमेश्वर का नाम पूर्ण है, एक ओंकार सतनाम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मध विच भी परमेश्वर का नाम पूर्ण है, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। धन गुरु ग्रंथ साहिब के अंत विच भी परमेश्वर का नाम पूर्ण है, नानक नाम मिले तां जीवां तन मन थीवै हरिया। सो इस प्रकार इहदा अंतरी भाव आपां अगे फिर विचार करदे हाँ। सिमरंत संत सरबतर रमणंग नानक आग नासन जगदीश्वर है। महाराज कथन करदे ने आग नासन, आग हुंदे ने पाप, अग्न ओग हरता, आग नासन पापां दे नाश करन वाला जो जगत दा ईश्वर है वाहिगुरू, ਉਹਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਣੰਗ ਭਾਵ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰੰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਮ ਰਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਏਖਨ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਵਨੋ ਮਨ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚ। 706 ਅੰਗ 'ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਥਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਘਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਦਿ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਘਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦੀ ਛਾਂਦੋਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਅ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿਆਲਕ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਤ ਕੇਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋ ਤੱਤਵ ਮਸੀ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗ ਉਹ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਘਾਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉੱਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਘਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ, ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਅਪੂਰਬਤਾ, ਸੋ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪੂਰਬਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਲ, ਚੌਥਾ ਫਲ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥਵਾਦ, ਉਸਤਤੀ ਨੂੰ ਅਰਥਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਉਪਪਤੀ, ਅਨੁਕੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਉਪਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪਮਾ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕਨ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਵਨੋ ਮਨ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿੜੀ ਹੈ ਸਾਚ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈ ਹੈ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਪਿਓ ਥਾਪਦਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ, ਕੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁੱਝ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਲੋਕ ਅਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰ,
सतगुरु महाराज जी कथन करते ने कि सुहास सुहास जिस वाहिगुरु के सिमरन करके सिमरन करने करके मां दे उधर दी बड़ी जठर अग्नि इहनू नाश नहीं कर सकती क्योंकि उत्थे वाहिगुरु का सिमरन ही रखिया करता। मात गर्भ मह आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे, मुख तलै पैर उपरे वसंदो कोथड़ै थाए। ये पाठ जड़ा कोहथड़ै नहीं करना, यहां ध्यान रखना कोथड़ै थाए। कहने भाई जीव माता दे उदर विच मूँह तेरा हेठां सी, पैर उपर सन, अते कोथड़ै हुंदा जिहड़ी कोथरी भाव गंदी जगह दे उत्ते तू वस रहा सी। ये भी कदे याद कर लिया कर, हुण तू होमे दे सहत हुंदा, नाम नहीं जपदा, तरह तरह दीआं गल्लां मारदा, तरकां मारदा। नानक सो धणी क्यों विसारियो, उधर है जिसदै नाए। सतगुरु फरमाउंदे ने जी दे नाम नूं जप के उत्थों उधरे आए बचे आए माता दे उधर चों, वह मालक नूं तूं क्यों भुला दिता हुण? हुण क्यों कहना रब तां है ही नहीं, वह लोकी तां गल्लां बणाउंदे परमात्मा है ही नहीं, हुण तूं इह गल्लां क्यों करदा? नास्तक पुणे दीआं गल्लां करदा है? माता दे उदर विच तेरी पालना किने कीती? इन्हां लोकां ने कीती सी जां साइंस ने कीती सी जां होर पढ़ाइयां ने कीती सी? किसने कीती तेरी पालना? ओ मालक नूं तूं क्यों भुलाउणा जिस वाहिगुरू ने इन्ना खाणा पीणा माता दे उदर दे विच तेरा इंतजाम कीता, सारा शरीर बनाया, उहनूं हुण क्यों भुला दिता है? पौड़ी रखत बिंद कर निम्मिया अगन उदर मझार। सो महाराज फरमाउंदे माता दे उदर मझार, भाव मझार हुंदा विच, माझ माझे ये अक्षर आउंदे मझार। सो मझार हुंदा पेट दे विच जो जठर अग्नि है, उस मां दी रक्त ते पिता दे वीर दी बूंद तो तैनू निम्मिया, भाव तेरे शरीर दी बनावट नूं शुरू कीता है। उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार। कुचीर हुंदा अपवित्र, बिकल हुंदा डराउणे, घोर गुबार बड़े गाढ़े हनेरे वाले नरक विच, भाव माता दे उदर विच तेरा मूँह जिहड़ा सी उर्द हुंदा उल्टा, भाव हेठां नूं लटकिया होया सी तूं। हर सिमरत तू ना जल है मन ताने और तार। हरी दे सिमरन करके तू माता दी आग विच देख ला सड़िया नहीं, इसलिए हुण भी उहनूं मन तन दे और हुंदा विच धारी तक हिरदे च वसा लै। जिवें प्रहलाद जी तुरे जाण, बहुत सारे लोग कट्ठे होए हुए सी। प्रहलाद जी कहिंदे इन्ने जाणे दा इकट्ठ होया, कहिंदे जी घमिहार ने कच्चे घड़े जिहड़े ने उहदे च घा फूस पाथियां गोहे रख के वड्डा सारा आवा तैयार कीता, उहनूं हुण उह अग ला चुक्किआ। ते बाद च किसी ने दस्सिआ वी इत्थे तां बिल्ली ने बच्चे दित्ते होए सी इक घड़े च, वी उह तां सारे विचारे सड़ के मर जाणगे। कहिंदे हुण आवा असीं जे खोलदे आं सारा नुकसान हुंदा, घड़े खराब हो जाणगे। हुण असीं इकट्ठे हो के अरदास करन लगे होए आ वी जे बिल्ली दे बच्चे बच जाण। कहिंदे उह कौण बचाऊ? कहिंदे राम परमेश्वर। प्रहलाद जी कहिंदे अच्छा, परमेश्वर च इन्नी ताकत है? कहिंदे हाँ जी। कहिंदे आवा खुलना कदों? कहिंदे सत्तां दिनों बाद। सत्तां दिनों बाद जदों उह आवा खोलिया सारे घड़े पक गए, वह जिहड़ा घड़ा सी कच्चा रह गया। वाहिगुरु ने वह जिहड़े बच्चे सी ना बिल्ली दे वह बचा ले, देख लो अग दे विच सड़न नहीं दिते, धन वाहिगुरु है। इस प्रकार महाराज जीव नूं माता दे उदर विच सड़न नहीं दिंदे, जिथे रोटियां हजम सब को हजम हो जाता जाके जठर अग्नि अग्नि दे विच। तां सतगुरु कहिंदे देख तेरे उत्ते किन्ना परउपकार कीता परमात्मा ने, तैनूं बचा के रखिया। बिखम थन हो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। जिस वाहिगुरु ने तैनूं बड़े कठिन थां तों बचाई रखिया, उहनूं इक तिल मात्र समा भी भुलाउणा ना करिया कर, धन्नवाद करिया कर, शुकर कर रब दा तैनूं बचा लिया उहने। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहि जस है जन्म हार। वाहिगुरू नूं भुलाउण करके कदे सुख नहीं पाएगा ते मनुखा जन्म नूं हार के जावेगा। श्लोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है। भाई गुरमुखा जो मन हुंदा ना श्रोमणी परमात्मा, वह अपनी इच्छा अनुसार दान देना करण करता है, करण तो पाप करता, तो सब दियाँ आसा पूर्ण करता।
कंडन कल कलेसह प्रभ सिमर नानक नह दूरन है। जो कल्पना ते कलेशां दे खंडन हुंदा नास करन वाला, खंडन राणे उत्ते टिप्पी लगी हुई है, टिप्पियां बालियां आउणगियां इस बाणी च, उस वाहिगुरु नूं सिमरना कर, उह तां इत्थों दूर नहीं है। कहने भाई बंदिया तू अपने मन की इच्छा अनुसार दान करदा है ते पदार दे के सब दियां आसां पूर्ण करदा है, सिद्धी दे बल नाल कईआं दे कल्पना दे कलेशां नूं नाश करदा है। इस तरह दे तेरे कर्म कीते हुए तां सफल ने जे तू वाहिगुरु दा नाम सिमरन करें, वह तां इत्थों दूर नहीं है। अब रंग माण है जिस संग तै स्यों लाई है नेह। ये जीव कहिंदे जिस वाहिगुरु की कृपा नाल तू हब रंग माण है, सारे आनंदा नूं भोगदा है, तैनूं उहदे नाल नेह भाव प्रेम लाउणा चाहीदा। सो सहो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देह। महाराज कथन करदे उस पति परमात्मा नूं एक बिंदन मात्र भी ना भुलाओ जिन्हें तेरा सुंदर शरीर बनाया। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग। ये पुरश जिस वाहिगुरु ने तेनों जियो जिंदगी प्राण शरीर ते धन दिता ते रसा का भोगना दिता। गृह मंदिर रथ आस दीए राच भले संजोग। घर दिते ने मंदिर वड्डे मकान दिते ने, रात हुंदी आ गड्डियां ने ते आस हुंदा घोड़े दिते ने, ते चंगे संबंध बनाते तेरे चंगिया बंदिया नाल। अगे सोत बनता साजन सेवक दीए प्रभ देवन जोग। उस देवन जोग वाहिगुरु ने सोत हुंदा पुत्र बनता इस्तरी सज्जन ते सेवक दिते हुए ने। हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग। उस हरी का सिमरन करद्या तन मन शुभ गुणा नाल हरिया हुंदा अते विजोग जिहड़ा दुख है जां विछोड़ा दूर हो जाता है। साध संग हर गुण रमह बिनसे सब रोग। कहने सतसंगत करके हरी दे गुण उचारना करो तो सारे रोग नाश हो जाएंगे। सलोक कुटुंब जतन करन माया अनेक उद्यम है। ये जीव परिवार वास्ते अनेक ही यतन करता ते माया की प्राप्ति लिए अनेक ही उद्यम भाव हीले यतन करता है। उत्थों माया कमा ला, उत्थों कमा ला, उत्थों चार पैसे बच जाएंगे। हर भगत भावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत है। पर हरि दी भाव जिहड़ी हुंदी भाव हुंदा प्रेमा, प्रेमा भगती भगत भाव, भाव भगती, प्रेमा भगती तो हीण रहत है ये जीव। महाराज कथन करदे जिन्हां नूं वाहिगुरु भुलिया होया वह पुरश प्रेत रूप है जिउंदे ही। नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत है, वह प्रेत ने ज्यौंदे तुरे फिरदे प्रेत। ओह टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बयान स्याओ। वह प्रीति टुटड़िया पा टुट जाण वाली है जो बयान हुंदा दूजियां दे नाल लाई हुई है। अखर आ बाणी च कई जगह बीया बीजा, इत्थे बयान आ गया उही अखर बयान। बयान हुंदा दूजियां नाल लाई हुई है। नानक सच्ची रीत साई सेती रत्या। महाराज कथन करदे इहो सच्ची रीति है जिहड़ा साई परमात्मा नाल तदाकार रहना हुंदा। पौड़ी जिस बिसरत तान भस्म होए कहते सब प्रेत। जिवें सलोक दे विच उचारिया ना उवें ही हुण पौड़ी उहदा उल्था करदे सटीक करदे अर्थ करदे आ कि जिस परमेसर दे विछड़ने करके जां भुलण करके शरीर सुआह हो जांदा है अते सारे बंदे नूं प्रेत प्रेत आखण लग जांदे ने। जदों मरदा कहिंदे सुपने च दिखिया मैनूं आखे प्रेत बन गया हुण। खेन गृह मैं बसन न देव ही जिन स्यों सोई हेत। जिन्हां संबंधियां नाल हुण हेत प्रेम है, हेत दा अर्थ हुंदा प्रेम, फिर उही संबंधी इक छिण भर विच इहनूं घर नहीं रखदे, घर वसण नहीं दिंदे। आदि घरी कौ न राखा घर ते देत निकार, काढो काढो होई चलो बई। कोई कहना फुल जू, कोई कहना वध जू, कोई कुछ कर अनर्थ दर्ब संचया सो कारज केत। सो जिहड़े दर्ब नूं धन नूं इहने अनर्थ करके पाप कर करके कर्मां नाल पाप कर्मां नाल संचया सी इकट्ठा कीता सी, कहिंदे उह धन अंत नूं केत हुंदा किस काम आया, किसे भी नहीं आया।
जैसा बीजै सो लुणै कर्म एहो खेत। ये शरीर कर्मा दा खेत है, इस विच जिहो जिहा बीज बीजदा उहा जिहा लुणदा भाव कटदा लुणै। जिथे भी अखर आऊगा लुणै उथे कट्टण दा ही वाचक आउणा, कई जगह आउणा अखर इह। जिहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। अकिरत कणा हर विसरिया जोनी परमेत। जिन्हां किरत कणा नूं हरी भुल गया उही जूनियां विच परमेत हुंदा भरम दे ने। सलोक कोट दान इसनान अनक शोधन पवित्रता है। जिन्हें नाम जपया उन्हें करोड़ां दान ते तीर्थां दे इशनान अते अनेकां ग्रंथां दा शोधन कर लिया। शोधन हुंदा विचार, विचारना कर लिया, पवित्रता आदिक सारे साधन उन्हें कर लेने, वह पवित्र हो गया। क्योंकि नाम जपन नाल जीव पवित्र हो जाता, कहिंदे नाम की महानता समझो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाम दृढ़ कराउंदे ने आपां नूं। हर पंक्ति कहिंदी नाम जप, हर पंक्ति कहिंदी नाम जप। कोई कारण ही है ताइयों जपाउंदे ने, कहिंदे यही सब कुछ है, यही सब कुछ। उचरंत नानक हर हर रसना सर्ब पाप विमुचते। महाराज कथन करते ने जिन्हें रसना नाल हर हर नाम नूं उचारिया उहदे सारे पाप विमुचते, कट्टे गए सारे पाप। उहदे ईंधन कीतो मुकणा भोरी दित्ती मो पाहे। सो जिवें इस प्रकार मणा मूही लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता जावे ते उहदे विचाले फिर भोरी इक मात्र रंचक भर पाहे अग रख दित्ती पाल दित्ती जावे, उह अग दे नाल लकड़ां सड़ के सुआह हो जांदियां सारियां। मन वसंदड़ो सच सौह नानक हब्बे डुखड़े उलाहे। महाराज कथन करदे ने इसे तरह मन विच सच्चे पति परमात्मा दा नाम वसण करके हब्बे डुखड़े जिहड़े आ सारे दुख उलाहे दूर हो जांदे ने। पौड़ी कोट अघा सब नास हो हे सिमरत हर नाउ। ये भाई एक हरि नाम सिमरन करन नाल सारे तरह के करोड़ा ही पाप नास हो हे हो जांदे हन। मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ। हरी दे गुण गाउण करके मन इच्छत फल प्राप्त करे। मन चिंदे मन दे जिहड़े इच्छत फल ने पा लईदे जो मर्जी चित लो, भई महाराज आ बख्शिश करो सानू आ बख्शिश करो, पर माड़ा ना चित बना कदे, माड़ी इच्छा नहीं पूरी करदे, चंगा चंगा चित वी ओ गुरमत अनुसार। सो जिवें कोई तुरिया जांदा सी ओह फंदक सी ना जिहड़ा भगत होया, तुरिया जांदा ओह सुख गया। कोई महात्मा ब्रह्म ज्ञानी दे मूहरे वो तो समाधि च बैठे सी, सुख गया भी जदे जे मैं हुण पंछी मारन चलिया जंगल च शिकार, भी जे मैनू चंगे पंछी मिल गए ना अज मारन नूं अद्धा हिस्सा ते हुण थोड़ा। और जदों लिया के मूहरे मरे हुए दस जानवर रखे पांच सत संत, एकदम समाधि खुल गई। कहिंदे ओए पापिया ये मेरे मूहरे जानवर रखी जांदा मरे हुए। शिकारी कहिंदा मैं तां जी सुखना सुख के गया सी भी जे मैनू अज वधिया शिकार मिलिया अद्धे थोड़े। कहने जे मेरी सुखना पूरी होंगी है शराब भी पूरा हों, देख ला नरकों में जाएगा चक के लै जा इतों मरे जानवर मेरे मूहरे रखते लिया के, पापी आदमी ना हो फिर वो डरदा चरनी पै गया। तो इस करके है कि एवं पुठियाँ ही जाके सुखना सुख लेनी है गुरुद्वारे, बाणी पढ़ते हैं पुठे फुरने करने। महाराज कहते वो नहीं रास आने इधर, क्योंकि मैं सिख नूं नरकां नहीं सिटना चाहता, आ फुरने कहने चंगे रख्या करो। जन्म मरण भय कटी है निचल सच थाओ। निचल सच्चे थां तो भाव सरूप की प्राप्ति होण करके जन्म मरण के डर जिहड़े ने कटी है तो भाव कट्टे जांदे हन। पूर्व होवै लिखिया हर चरण समाओ। जे कोई पूर्व हुंदा पिछले जन्म का श्रेष्ठ लेख लिखिया होवे तां चरण हुंदा पूजनीक। सो इस करके पूजनीक हरि दे विच समा जांदा जीव। कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक बल जाओ। महाराज कथन कर दे इस तरह बेनती करो, हे वाहिगुरु कृपा करके मैनू रख लैना करो, रख लैना करो, मैं आप जी तो बलिहार बलिहार जांदा हूँ।